मेरा नाम अनुराग कुमार नरवरिया है। आज हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या कहलाता है? सबसे पहले वर्ग, ऐसे वर्ग ऐसे आयत को कहते हैं, वर्ग ऐसे आयत को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, यानी जिसकी लंबाई भी लंबाई चौड़ाई चारों समान होंगी, उसे हम वर्ग कहेंगे। मतलब वर्ग ऐसे आयत को कहेंगे हम, वर्ग ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। या की कंडीशन हम कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान हों, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 अंश होती है, यानी वर्ग के 90 अंश किन किन कोणों की बात हो रही है? 1, 2, 3 और 4 प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होगा। ठीक है, अब वर्ग को सरल करने के लिए कुछ आवश्यक सूत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे वर्ग में कितने तरह के फॉर्मूले या कितने प्रकार के सूत्र हमारे यूज या प्रयोग किए जाएंगे, जैसे जैसा पिछले बार हम पढ़ चुके हैं आयत में भी कुछ सूत्र लगाए गए थे, वही सूत्र हमारे वर्ग में भी लगेंगे। जैसे एक फॉर्मूला लगे जा रहा हमारा वर्ग का परिमाप, दूसरा फॉर्मूला लगे जा रहा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल और तीसरा फॉर्मूला लगेगा वर्ग का विकर्ण। इन तीन आवश्यक सूत्रों की वजह से, इन सूत्रों से हम वर्ग की जितनी समस्याएं सवाल में आएंगी हमारी, वो हम सारी सरल यहीं से करेंगे या हल इसी से करेंगे। वर्ग का परिमाप जैसे कि आयत में था, इसी प्रकार वर्ग में भी है। आमने सामने की भुजाओं को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है वो वर्ग का परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग का परिमाप क्या हुआ? वर्ग का परिमाप हमारा A B C D, यानी वही चार भुजाएं जुड़ी हुई है। हम चारों भुजाओं को कोई भी नाम दे सकते हैं, या तो इसको भी कह सकते हैं 4 × भुजा या भुजा प्लस भुजा। यहीं से हमारा फॉर्मूला 4 × भुजा निकल कर आया है, क्योंकि भुजा वर्ग की चारों भुजाएं समान हैं,
इसलिए जो भी भुजा की माप होगी एक दो तीन चार, तो चार भुजाओं को जोड़ने पर वर्ग का परिमाप प्राप्त होता है, तो चार गुणे भुजा। जैसे अगर कोई सवाल है किसी वर्ग की, ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा का परिमाप क्या होगा, तब भुजा का परिमाप क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला में रखना है हमें 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है 4, यानी 4 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल यानी अंदर का सारा भाग, उतना भाग जो इसके अंदर आकृति के अंदर है, इसका क्षेत्रफल बताना है, उसको कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होगा भुजा गुणा भुजा, या इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी भुजा का वर्ग, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तीसरा फॉर्मूला लगता है हमारा वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब इस लाइन की बात हो रही है, ये हमारा कहलाता है विकर्ण। तो भुजा का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या कहलाएगा, रूट टू गुणा भुजा, ये हमारा वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगले दिन कुछ नया लेकर आएंगे और नया सीखेंगे कुछ।